नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देखे दीपक फार्मेसी। आप लोग का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि भैया झाइयों के ऊपर वीडियो बनाई, झाही आ गया मेरे चेहरे पे, झाही ठीक नहीं हो रहा। मैं आपको कारण और इलाज दोनों बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको पूरा वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे इसको ठीक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कारण जान लेते हैं कि क्या किस कारण होता है। सबसे पहले कोई कोई बहुत ज़्यादा तेज इंसान होती हैं या फिर औरत होती हैं या फिर महिलाएँ होती हैं कि वो क्या करती हैं, गोरा होने के लिए पेंड्रम प्लस का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें जो केमिकल पाया जाता है वो आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिससे आपका चेहरा ठीक होने की वजह और ख़राब होता है। पहला कारण के बारे में जान गया। दूसरा कारण खून की कमी, एनेमिया, खून की कमी के कारण भी कभी कभी देखा गया है कि ऐसा झाइयाँ होना होता है। दूसरा कारण के बारे में जान गया। तीसरा कारण के बारे में बात करें, सन एक्सपोजर मतलब आप धूप में जा रहे हैं, ज़्यादा जाते हैं, आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं या फिर अपने चेहरे को ढक के नहीं रखते हैं, इस कारण भी आपका मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है, झाइयाँ पड़ जाती हैं। तो आपको ये 3 कारण मैंने बताया। एक चौथा कारण, लास्ट कारण, आप बहुत बार ऐसा नोटिस किए हुए हैं कि आप कभी भी कहीं भी जाते तो आपको जहाँ पे झाही हो गई वहाँ पे आप बार बार टच करते हैं अपने हाथों से, गंदे हाथों से टच करना, बार बार टच करना, ऐसे आपको नहीं करना है क्योंकि ऐसे करने से आपकी जो भी झाइयाँ हैं और बढ़ती और ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसका इलाज क्या हो सकता है। आपने कारण बता दिया, इलाज को ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इलाज के लिए मैं 3 क्रीम बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। पहली क्रीम के बारे में बात करूँ, स्किन लाइट आप ले सकते हैं या फिर स्किन साइन ले सकते हैं। स्किन साइन ही सबसे बेस्ट होगा क्योंकि स्किन साइन में आपको हाइड्रोक्विन मिला हुआ रहता है और मेमेंटासोन मिला हुआ रहता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाइड्रोक्विन क्या करता है, जो भी जो कालापन हो गया चेहरे में उसको दूर करता है। पहला क्रीम के बारे में बता दिया। दूसरा क्रीम के बारे में बात करूँ, फ्लूकोट एक क्रीम आती है, यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे होंगे, फ्लूकोट क्रीम भी आप लगा सकते हैं। ये भी क्रीम बहुत अच्छा है, इसको धूप में लगा के इसको मत निकलिएगा, इसको जब भी लगाएं रात में लगाएं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक और क्रीम के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये क्रीम भी आपको नहीं मिल रही तो एक मेलानोसाइल क्रीम आती है, ये भी आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं झाइयों में। ये क्रीम को लीजिए आप, इस क्रीम को भी लगाइए और ये क्रीम आप धूप में जाने से पहले भी लगा सकते हैं, धूप में जाने के बाद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्रीम लगाने से। और हाँ, आपको कोशिश करना है कि अपने चेहरों को बचा कर रखना है, ना कि धूप में जाना है, बार बार धूप में जाके अपने चेहरे को ख़राब करना है, जिससे आप इतना भी करते हैं तो आपके चेहरे बच के रहेंगी और आपका झाई जो है वो 100% ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो अगर आप यहाँ तक अभी मेरा वीडियो देखें, आपको दिल से धन्यवाद है। मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप लोग ने मेरा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे अपने भाई को प्यार बनाए रहिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।